कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जाने वो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी, अफ्तार रेसिपी। वो है हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल, क्योंकि हमने आपको स्प्रिंग रोल सिखा दिया है। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही इसका अलग फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बन भी जाते हैं, बहुत ईजी तरीका है। उसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी, तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हरे चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉल के अंदर ले लिया है 2 कप मैदा, जिसे हमने अच्छी तरीके से छान लिया है, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून घी, ये हो गया 1 टेबल स्पून, सेकेंड एंड थर्ड 3 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया। ऐसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसके हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। जैसे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, नमक और घी को अच्छी तरीके से मिक्स करें, इसके हम हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। मैदा नमक और घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए, इसके ब्रेड क्रम्स बना दिए, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है 1 कप। ऐसे हम पानी ऐड करते जाएंगे, उसे अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे जिस तरह आटा गूंदते हैं। डो तैयार करनी है, हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल का आटा गूंदना है। इसमें हम लगा रहे हैं मक्कियाँ, ना आपको ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है ना आपको ज़्यादा हार्ड गूंदना है, बस नॉर्मल आटा आपको गूंदना है जिस तरह आटा गूंदते हैं। आटा घुन चुका है, इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे घी, क्योंकि ऊपर से इसके ऊपर ड्राइनेस ना जमे। ये देख सकते हैं हमने घी लगा दिया इसके ऊपर अच्छी तरीके से, यहाँ हमने आटा गूंद के इसके ऊपर घी इसमें लगा दिया, ताकि हमारी जो हमने आटा गूंदा उस पर ड्राइनेस ना हो। अब इसमें हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद फिर आपको उसका लुक दिखाएंगे। हो चुके हैं आटे को, आप उसका कवर हटा के आपको दिखा सकते हैं कितना अच्छा ये आटा गूंद चुका है। रेस्ट भी दे दिए इसे 15 मिनट का, उसको हम बनाएंगे रेडी है हरे भरे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चिकन लिए है बोनलेस, जो हमने अच्छी तरीके से उबाल ली थी, 200 ग्राम है, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। हमें ग्रीन चटनी लिए 2 टेबल स्पून, जो हमने आपको पहले बनाना सिखा चुके हैं, वो आप इसमें से ऐड कर लीजिएगा हरे भरे स्प्रिंग रोल में। और ये लिए हमने 3 टेबल स्पून मायोनीस। तो ये चीज़ें चाहिए हमें हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक बॉल के अंदर ऐड करेंगे बॉयल और शिलेट हुई चिकन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च चॉप हुई भी 1/4 टीस्पून। हम नमक ऐड करेंगे, जो हम चटनी इसमें ऐड करेंगे उसमें नमक पहले से ही मौजूद है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, ग्रीन चटनी जो हमने आपको पहले से सिखा चुके हैं वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मायोनीस 1 टेबल स्पून, हमने मायोनीस इसमें ऐड कर दी है। चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। चलो आप देख सकते हैं कि हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल की स्टफिंग हो चुकी है रेडी, और इसके हम आपको फिलिंग करने का तरीका बताएंगे। आटे को रोल कर लिया, इसके अलावा हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, इस तरह हम काटते जाएंगे। पेड़े तैयार कर लिए, आपको सिखा रहे हैं हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल। एक पेड़ा लेकर उसको बेलते हैं, डस्ट कर दिया, इसको हम रोटी बेलेंगे, इसकी एक लंबाई में हम रोटी बेल लेंगे इसकी। इसको बेल लिया रोटी को, उसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे ये रोटी के ऊपर। इसको हम फोल्ड करेंगे, एक साइड से भी फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से ही हम फोल्ड करेंगे इसको, और इसको हम फोल्ड करते जाएंगे इस साइड से भी। इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे, जैसे हम रोल शीट का रोल फोल्ड करते हैं इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे, काट लेंगे, सिर्फ काट लिया उसको हम फोल्ड करते जाएंगे, पानी लगाते जाएंगे ब्रश की मदद से, साइडों पर हम पानी ऐड कर देंगे, लगा देंगे ब्रश की मदद से। इसको हम फोल्ड करेंगे जैसे हम रोल करते हैं इसी तरह, तो रोल बनाते हैं इसी तरह इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल हो चुके हैं रेडी, इसी तरह सारे हम हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल को रेडी करने का फिर आपको लुक दिखाएंगे इसका। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल हो चुके हैं रेडी, हमने इनको इसकी फिलिंग कर ली, और उसको हम करेंगे फ्राई। कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाली, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल जो हमने पहले से तैयार कर लिए हैं। आपको पूरा मेथड समझा दिया, दिखा दिया है। यहाँ हमने हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल्स में ऐड कर दिए हैं, वाल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ रोल शीट नहीं ली, बल्कि हमने मतलब आटा गूंद के आपको रोल बनाना सिखाएं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेंगे कुक होने में, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। इसकी साइडें चेंज कर रहे हैं, देख सकते हैं ये एक तरफ से हार्ड हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से पक रहे हैं ये, तकरीबन इसको पकने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल हो रहे हैं रेडी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल को हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे इसका हम फाइनल लुक। हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल हो चुके हैं रेडी, इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे, उसका आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
हमारे हरे भरे चिकन स्प्रिंग रोल हो चुके हैं रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया। हमने कटिंग करके भी आपका उसको अंदर से लुक दिखा दिया है और सर्व किया हमने इसे केचप के साथ। बहुत ही अच्छे बनते हैं। अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।